Everyone, this is Ankita Sood and today I am here to tell you about UGC NET Paper 1. As we all know, this is a common paper and mandatory for every UGC NET aspirant. But maximum aspirants को ये paper बहुत ही ज़्यादा difficult लगता है because उनके पास proper notes नहीं होते हैं. But topper notes की help से it becomes very easier to score 90% marks in this paper. Topper's notes में कुछ strategies, कुछ previous year questions and different tips and tricks दी हुई हैं. जिसकी हेल्प से इट बिकम्स वेरी ईजियर टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट विद दीज टिप्स. सो फर्स्ट टिप वी हैव इज अंडरस्टैंड द सिलेबस. सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि सिलेबस को अच्छे से चेक कर लेना है. अगर आप लोग सिलेबस समझ लेते हो, उसके बाद आप लोगों को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस रेडी करना है. उस सीक्वेंस में सबसे टॉप पे रहेगा जो आप लोगों के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होंगे. इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हो तो इजीली आप लोगों को समझ आएगा एंड आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा. सो सबसे पहले सिलेबस चेक कीजिए एंड अपने इंटरेस्ट के टॉपिक के साथ स्टार्ट कीजिए. सेकंड पॉइंट इज हमेशा रिवीजन के लिए इक्वल टाइम दीजिए. जैसे कि हम सभी को पता है यूजीसी नेट में टोटल 10 यूनिट्स होती हैं एंड एवरी सेक्शन हैज़ इक्वल वेटेज. हर एक सेक्शन से 10-10 नंबर के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे. सो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन सभी को सीक्वेंस में अरेंज कीजिए एंड रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे ही आप लोग कंप्लीट कर लेते हो सिलेबस, उसके बाद रिवीजन साथ साथ में करते रहोगे तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. सेकेंड की पॉइंट इज मेक शॉर्ट नोट्स. टॉपर्स नोट्स की हेल्प से आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टॉपिक वाइज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल मिल जाएगी. बट लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप लोग शॉर्ट नोट्स रेडी कर सकते हो, ये भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए. थर्ड पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर इज अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न. अगर हम लोग एग्जाम का पैटर्न अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें इजीली समझ आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने हैं एंड हाउ टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. सो टॉपर्स नोट्स हमें हेल्प करता है एग्जाम के पैटर्न को इजीली समझने में एंड किस तरह से उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर इज मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को यही लगता है कि जो पेपर वन है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. पेपर वन जो है वो स्पेशली रखा गया है स्टूडेंट्स की टीचिंग एबिलिटी, रिसर्च एबिलिटी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए. सो ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है. सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कभी भी इस पेपर को आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा. ये पेपर बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, इसमें इजीली आप लोग 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो. लास्ट टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ वो ये है कि टॉपर्स नोट्स में जो भी नोट्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे टॉपर्स ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मार्क किया होता है. तो प्लीज़ जब भी आप टॉपर्स नोट से पढ़ रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे इम्पॉर्टेंट मार्क किया हुआ है. सो उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को आप लोग मेन फोकस पे हमेशा रखिएगा. सो ये बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए. आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं या इस पैटर्न के क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं. सो इट बिकम्स वेरी ईजियर फॉर यू टू स्कोर मोर इन दिस पेपर. यूजीसी नेट पेपर वन में यूनिट्स के हिसाब से कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन. फर्स्ट यूनिट इज टीचिंग एप्टीट्यूड. सो टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशन सिस्टम एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग मैथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन टॉपिक से हर बार एक एक या दो क्वेश्चंस कंपलसरी है जो आते ही हैं. सो दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड यूनिट हमारे पास होती है रिसर्च एप्टीट्यूड. रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. रिसर्च एथिक्स के बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च. इनसे हमेशा एक या दो क्वेश्चंस आते ही हैं. एंड नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ रिसर्च. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इससे हमेशा दो या तीन क्वेश्चंस आप लोग लेकर चलिए. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज स्टेप्स. एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसमें जितना ज़्यादा आप लोग रिवाइज करोगे उतना ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा. नेक्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन. इसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस एंड बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक.
इसमें से भी दो या तीन क्वेश्चंस हर साल जरूर पूछे जाते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज एंड परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट यूनिट आती है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें जनरल मैथमेटिक्स, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एंड ये सेक्शन को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट यूनिट आती है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें कि इंडियन लॉजिक, मूव्स एंड फिगर्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एंड इसे याद रखने के लिए कुछ एक रूल्स होते हैं, कुछ एक टिप्स होती हैं, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी गई हैं, तो डेफिनेटली आप उसे देखेंगे एंड यू कैन स्कोर वेरी गुड इन दिस सेक्शन। एंड नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट इज हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में कुछ पॉलिसीज़ हैं, लेटेस्ट जो एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, आप लोग वो ज़रूर देख लीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड जो कुछ भी लेटेस्ट न्यूज़ चलती है वो सब आप लोग देख लीजिएगा, उसी से रिलेटेड दो या तीन क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। एंड बाकी एंशियंट इंडियन जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड लास्ट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, इसमें नेचुरल हजार्ड्स एंड एयर पॉल्यूशंस, पॉल्यूटेंट्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो गैसेज होती हैं उन सब से रिलेटेड दो या तीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इजी सेक्शन है। एंड इन नोट्स की हेल्प से आप लोगों को बहुत ही अच्छे से टिप्स मिल जाएंगे, जिनसे कि ये सभी पॉइंट्स आप लोग इजीली याद रख सकते हो। सो ऑल दीज आर सम टिप्स एंड स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू यूजीसी नेट पेपर 1। एंड थैंक यू सो मच।